दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप वीवो के किसी भी फ़ोन में अपने डाटा को सेव कैसे कर सकते हैं, अपने नेट को कैसे बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि वीवो का फ़ोन यूज करते समय बहुत ही ज़्यादा नेट ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपका नेट ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी टिप्स जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके फ़ोन में डाटा जल्दी ख़त्म नहीं होगा, आपका जो डाटा है वो दोगुना चलेगा, अब जितना चल रहा है उससे दोगुना चलने लगेगा। तो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आपको करना है उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो वीवो के किसी भी फोन में आपको डाटा सेव करना है तो सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग में। मैं यहाँ रेडमी के फोन में बता रहा हूँ लेकिन आपको वीवो के किसी भी फोन में जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाटा मोनिटर या इस तरह से कुछ रहता है डाटा यूजेज, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा सेविंग का, तो उस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। दूसरा काम करना है कि आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में ढेर सारे ऐप्स होंगे, कम से कम 100 या 150 तो ऐप्स होंगे ही, तो आपको हर ऐप के ऊपर क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐप इन्फॉर्मेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है डाटा यूजेज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल डाटा लिखा आ रहा है, वाईफाई बैकग्राउंड डाटा, तो इसमें से जो मोबाइल डाटा है इसे आपको ऑफ कर देना है अगर आपको इस ऐप के लिए डाटा का यूज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऐप है और ये बिना डाटा के चलता है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ मोबाइल डाटा वाले ऑप्शन को ऑन कर देना, ऑफ कर देना है। अगर ये मोबाइल डाटा से चलता है तो इसे ऑन रख ही रहना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे बैकग्राउंड डाटा दिखा रहा है, तो बैकग्राउंड डाटा को आपको ऑफ कर देना, देख लीजिए मैंने यहाँ पर ऑफ किया हुआ है, तो अगर आपका इस तरह से ऑन है तो आपको इसे ऑफ कर देना है। तो आपको इस तरह से हर ऐप में करना है, जैसे यहाँ पर टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, वाइट स्टूडियो हो गया, या फिर जो भी आपके फ़ोन में ऐप है उस ऐप पर आपको क्लिक करके रखना है। उसके बाद ऐप इन्फो में जाना है, उसके बाद यहाँ डाटा यूजेज में जाना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड डाटा है जो इसे ऑफ कर देना है। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। उसके बाद क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद आपको आना है YouTube में, YouTube आपको ओपन करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा बचेगा, आपका जो डाटा बहुत दुगना हो जाएगा, यानी कि जितना आपका डाटा सेव होता है रोज़ उससे दुगना सेव होने लगेगा या फिर जल्दी ख़त्म होता है तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आ जाएंगे यूट्यूब में। यूट्यूब में आने के बाद आपको यहाँ लोगों पर क्लिक करना है, ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डाटा सेविंग का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाटा सेविंग मोड है, इसे आपको इस तरह से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में क्या होगा कि यूट्यूब जब आप चलाएँगे तो बहुत ही कम डाटा में आपका यूट्यूब चलेगा, यानी कि ज़्यादा नेट नहीं लेगा, तो ये काम आपको ज़रूर कर देना है। इसी तरह से आपको आ जाना है अपने फ़ोन के टेलीग्राम वाले ऐप में। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप है तो टेलीग्राम ऐप में आना है। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है डाटा एंड स्टोरेज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोडेड, के नीचे लिखा हुआ है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, तो अगर ये ऑन है तो आपको ऑफ कर देना है। अगर ये ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में जितने भी चैट है उस पर अगर फोटो आता है, कोई वीडियो आता है तो अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा आपके बिना डाउनलोड किए, तो आपको इसे ऑफ कर देना है ताकि अपने आप डाउनलोड ना हो। उसके बाद यहाँ वैन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, तो इसे आप ऑन रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ऑटो प्ले मीडिया, तो इन दोनों ऑप्शन को भी आपको ऑफ कर देना है, GIFs को और वीडियोज को, ये अपने आप ऑटो प्ले नहीं होगा, आप जब प्ले करेंगे तभी होगा। इसी तरह आपको आ जाना है इंस्टाग्राम वाले ऐप में। इंस्टाग्राम पर आपको टैप कर देना है, इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लोगों पर नीचे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको मिल रहा है सेटिंग का, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर है मोबाइल डाटा यूज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है डाटा सेवर का, तो अगर इस तरह से आपके फ़ोन में ऑफ रहेगा तो इसे आपको इस तरह से ऑन कर देना है, इससे आपका डाटा कम खर्चा होगा। इस तरह से आपको जिस भी ऐप में डाटा सेविंग का ऑप्शन मिलता है हर ऐप में जाकर सेटिंग में जाकर आपको डाटा सेविंग को ऑन कर देना है, और जिससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में बहुत ही कम डाटा खर्चा होगा, जिससे आपका नेट काफ़ी बच जाएगा। तो इस ट्रिक को अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया, अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।